दोस्तों, आपने ट्रेन में सफर तो किया ही होगा। अक्सर आप देखते होंगे कि सफर के दौरान चेन पुलिंग होती ही रहती है। चेन पुलिंग के दौरान ट्रेन तो रुक जाती है, लेकिन ट्रेन के रुकने के बाद टीटी और रेलवे पुलिस उस बोगी में पूछताछ करते आते हैं जिस बोगी से चेन पुलिंग हुई है। दोस्तों, आखिर टीटी और रेलवे पुलिस को कैसे पता चल जाता है कि इस बोगी में चेन पुलिंग हुई है, और चेन पुलिंग से ट्रेन कैसे रुक जाती है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इसे जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आइए जानते हैं चेन पुलिंग के दौरान ट्रेन कैसे रुक जाती है। दोस्तों, आधुनिक ट्रेनों में जैसे ही आप ट्रेन की चेन खींचते हैं तो ब्रेकिंग सिस्टम पाइप में प्रवेश करने वाली हवा की ताकत के दबाव के कारण पाइप फूल जाता है, जिसकी वजह से दबाव में काफी गिरावट आ जाती है। इसकी वजह से ट्रेन के डिब्बों के नीचे लगे ब्लॉक पिस्टन में कसाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन के पहियों में ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया 110 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेनों को रोकने के लिए 2 से 4 मिनट का समय लगाती है। इस गिरते एयर प्रेशर को ट्रेन का ड्राइवर भी अपने एयर प्रेशर गॉज के जरिए देख सकता है, फिर ड्राइवर भी ट्रेन को रोकने में मदद करता है, जिसकी वजह से ट्रेन आसानी से रुक जाती है। गार्ड के कंपार्टमेंट में भी एयर प्रेशर गॉज लगा होता है, जिससे उसे ट्रेन के रुकने का संकेत मिल जाता है। जब एयर प्रेशर गिरने लगता है तो ड्राइवर 2 छोटी सीटी और 1 बड़ी सीटी बजाता है। यह सीटी बजाकर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन के गार्ड और टीटी को बता देता है कि ट्रेन चेन पुलिंग की वजह से रोकी जा रही है। फिर आमतौर पर असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड उस कोच को ढूंढते हैं जहां से चेन पुलिंग की गई है, क्योंकि उस कोच का वॉल्व बंद हो जाता है जहां से अलार्म चेन खींची जाती है, और वह उस कोच के वॉल्व को खोलते हैं और एयर प्रेशर प्रणाली के जरिए फिर से हवा का दबाव बनाते हैं, जिससे सभी कोचों के ब्रेक खुल जाते हैं और ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच रेलवे पुलिस, टीटी और सीआरपी उन लोगों की तलाश करते हैं जिन्होंने चेन पुलिंग की है,